दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों जिस तरह से बिग बॉस में तूफानी सीनियर्स के तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान ये तीनों कंटेस्टेंट गए थे, इनमें से आपको कौन से कंटेस्टेंट ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर उसका नाम ज़रूर बताएं। हम आपको बता दें कि इन तीनों के बीच में एक बार फिर से ट्विटर पर वार छिड़ गया है। जी हाँ, इन तीनों ने ही एक दूसरे को टैग करते हुए ट्विटर पर ट्वीट किए हैं। अब क्या है ये ट्वीट, किस तरह से ये तीनों ट्विटर पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो पूरा मामला हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला ने सबसे पहले ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, हे गाइस, थैंक्स अ टोन फॉर ऑल द सपोर्टर्स। आई एंजॉय आउटसाइड व्हाइल आई वाज इन द बीबी हाउस। इट रियली मीन्स अ लॉट। वाज अ वेरी skeptical about our bonding, but I surprisingly had an amazing time with both Gauhar Khan and Hina Khan. जी हाँ, उन्होंने यहाँ अपनी जो बिग बॉस 14 के अंदर उनकी जो फीलिंग्स रही हैं उन्हें जाहिर किया है, और उन्हीं का साथ देते हुए गौहर ने भी ट्वीट किया है, आई लव इट टू। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला चेक योर व्हाट्सएप बिजी मैन। जी हाँ, हम आपको बता दें कि गौहर खान ने उन्हें व्हाट्सएप भी किया है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच जो पहले ट्विटर वार हुआ करता था, इन दोनों के बीच में जिस तरह से गौहर खान पहले सिद्धार्थ शुक्ला के लिए लिखती थी कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है या बहुत ज़्यादा गाली देते हैं, मतलब उनके विरोध में जो ट्वीट करा करती थी, अब इनका कहीं ना कहीं प्यार बढ़ गया है, इनका कहीं ना कहीं दोस्ती हो गई है, क्योंकि गौहर खान अब उन्हें व्हाट्सएप भी कर रही हैं और ट्विटर पर भी उनके लिए बहुत अच्छी बातें लिख रही हैं। वहीं बात करें हिना की, तो हिना ने भी इस सिद्धार्थ शुक्ला के ट्वीट को रिट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, लाइक वाज मेरे दोस्त, बिग हग। जी हाँ, उन्होंने भी यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला का सपोर्ट किया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये दोस्ती ज़्यादा दिन तक टिक पाएगी, या फिर बिग बॉस 14 में जिस तरह से इन तीनों के बीच में अंत के एपिसोड में झगड़ा देखने के मिला था, वो कहीं ना कहीं एक अलग रूप ले सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय ज़रूर दें। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।